टू थ्री फोर फाइव सिक्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं बहुत दिनों बाद हॉल वीडियो करने वाली हूँ तो समर्स आ रहे हैं तो so, मैंने सोचा कुछ आप लोगों के साथ समर के क्लोथ्स शेयर किए जाए मतलब मैंने मिशो से बहुत सारे समर uh, का ड्रेसेस बाय किया है उसके रिव्यू मैं और क्वालिटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो so, मैंने मिशो से बहुत आई थिंक टोटल सिक्स और सेवन प्रोडक्ट मंगाए हैं सेवन ड्रेसेस मंगाए हैं तो आज सिर्फ़ ड्रेसेस की हॉल वीडियो करने वाली हूँ और जो भी मैंने मंगाया है वो सिर्फ़ 500 के नीचे ही है आपको 500 के ऊपर कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाएगा तो बस मैंने मंगा लिया है और अभी मैं दिखाती हूँ एक एक करके मैंने सिर्फ खोल कर देखा था कि कैसा है सेम प्रोडक्ट है कि नहीं है और मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया है तो आप लोग के सामने ही मैं ट्राई करूँगी और दिखाऊँगी कि कैसी क्वालिटी मुझे रिसीव्ड हुई है और अंडर फाइव हंड्रेड है और आई थिंक स्टार्टिंग प्राइस टू हंड्रेड समथिंग है ओके okay गाइस तो कुछ ये पार्सल्स है तो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ मैं तो पहला मैं जो प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है ये ओके गाइस okay तो ये मैंने मंगाया था एक ये एम्ब्रॉयड्रेड है वाइट कलर का है और वाइट और समर में बहुत ही अच्छा होता है कलर पहनने के लिए और उसमें एम्ब्रॉयडरी हो तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ये प्योर कॉटन है आई थिंक या फिर रिओन फैब्रिक है आई गेस रिओन फैब्रिक ही है बट सॉफ्ट है एंड इसमें जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था इसलिए मैंने ये वाला मंगाया था तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है और यहाँ पे आपको डोरी भी मिल जाएगा ओके okay, गाइस तो मैंने इसको लिया है 360 363 में और इसका मैं पिक्चर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोग को दिख जाएगा इसको मैंने लिया है एक्सेल साइज़ में साइज़ मुझे आई थिंक लग रहा है थोड़ा सा लूज़ है आ, मैंने एक्सेल मंगाया है जानबूझ लूज़ ही मुझे चाहिए था तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है मुझ पर ओके okay गाइस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पहनने में अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग ले सकते हो मेरी तरफ़ से थम्स अप है एंड इसकी क्वालिटी अच्छी है काफ़ी ज़्यादा वाइट है तो थोड़ा सा बचा के ही पहनना पड़ेगा आपको लेकिन मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है मैं लेती रहती हूँ मेरा वाइट का कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है तो मैंने जो दूसरा ड्रेस मंगाया है वो ये ब्लैक कलर का है ये चेक है ब्लैक चेक में है और मैंने इस टाइप का जो ड्रेसेस है मीशो पे बहुत सारे देखे थे अलग अलग पैटर्न के बने हुए तो मैंने भी एक मंगा लिया है और ये वाला जो चेक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है हमेशा ही ट्रेंड में रहता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये वाला चेक तो मैंने एक मंगा लिया है इसका स्लीव कुछ इस टाइप का है यहाँ पर इलास्टिक लगा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेयर जैसा फील आता है और इसका नेक सिंपल है ओके गाइज तो इसका प्राइस है थ्री हंड्रेड टेन रुपीज़ और प्राइस के हिसाब से आई थिंक ठीक ही मिला है बट मुझे इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे एकदम पसंद नहीं आया इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चीप लग रहा है यहाँ पे थ्रेड भी निकला हुआ है बहुत उतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है और क्वालिटी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि एक धुलाई के बाद या फिर दो धुलाई के बाद बहुत ज़्यादा ही बेकार हो जाने वाला है ये कपड़ा तो अभी चलिए देखते हैं ट्राई करके कि मुझ पर कैसा लगता है तो ये पहने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है बुरा नहीं लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है आई थिंक कैमरे कैमरे पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहनने के बाद क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है थ्री हंड्रेड के हिसाब से मुझे लग रहा है सही मिला है थ्री हंड्रेड टेन रुपीज़ का है तो उसके हिसाब से इसकी जो भी पैटर्न भी है अच्छा है काफ़ी ज़्यादा Uh, बहुत कंफर्टेबल होने वाला है थोड़ा लूज़ भी है तो समर में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो आप लोग ले सकते हो बट येलो वाला से मुझे ये ब्लैक वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है येलो वाला बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप है उसमें बहुत ही पतला फैब्रिक है तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है बट आई थिंक ये ब्लैक वाला मैं रख सकती हूँ ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसके तो इसके लिए भी मेरे तरफ से थम्सअप है आप लोग चाहो तो ले सकते हो तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है ओके गाइस तो नेक्स्ट जो ड्रेस मंगाया है मैंने वो ये है तो चलिए देखते हैं कैसा है ये ओके okay, तो मैंने ब्लैक वाला चेक अभी दिखाया था ब्लैक चेक ड्रेस तो सेम वैसा ही है ये बट ये ये येलो कलर है तो देखते हैं इसको खोल कि ये कैसा है ओके okay गाइस तो ये कुछ ऐसा है सेम जो मैंने ब्लैक दिखाया उसके जैसा ही है क्वालिटी uh, भी सेम एग्जैक्टली exactly वही है कलर अलग है इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो और साइज़ भी जो मैंने बताया था कि एक्सेल लिया था मैंने बट ये बहुत ज़्यादा साइज बड़ा लग रहा है मुझे तो साइज भी एक्जैक्टली exactly सेम है ओके okay गाइज तो इसको मैंने एक्सेल में मंगाया है और इसका प्राइस है थ्री ट्वेंटी एट और जो मैंने ब्लैक वाला मंगाया था उसका प्राइस आई थिंक थ्री हंड्रेड टेन था बट एग्जैक्टली सेम है तो चलिए इसको पहन के देखते हैं और मैं बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है मुझे देगा गाइस तो ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैंने जैसे कि बताया था क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है बट अगर आप इसको पहनोगे तो देखने में अच्छी ही लग रही है आ, मैंने फुल लुक भी शेयर किया हुआ है आप लोग को दिख गया होगा कि कैसा लग रहा है ओवरऑल इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट आ, जो लुक आपका आएगा स्टाइल करने के लिए अच्छा है एंड उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है कम्फर्टेबल है आप इसको समर में बहुत ज़्यादा पहन पाओगे बहुत ही कम्फर्टेबल है ये तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है ओके गाइस तो नेक्स्ट जो ड्रेस मैंने मंगाया है वो कुछ इस टाइप का पैकेट में रिसीव हुआ है तो तो मैंने जो मंगाया है ये भी ड्रेस ही है बट ये चिकन कारी का ड्रेस है तो मैंने ये मंगाया और इसका आई थिंक ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा सस्ता है इस हॉल का ये सिर्फ टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स रुपीज़ का है और स्टार्टिंग प्राइस यही है टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स बट uh, मुझे ये वाला जो है एकदम पसंद नहीं आया इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही बेकार है बट आई थिंक टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स का है तो इसमें आपको इस टाइप का ही क्वालिटी मिलेगा और इस टाइप का ही एम्ब्रॉयडरी मिलेगा बट uh, अगर आप इसको पहनोगे तो शायद हो सकता है अच्छे से स्टाइल करो तो ये अच्छा लग सकता है uh, ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इस पर यह धागे का पूरा वर्क है एम्ब्रॉयडरी वर्क है एंड ये पूरा इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको डोरी भी मिल जाएगा एडजस्ट करने के लिए और इसके नीचे में भी वर्क है और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी वर्क है अगेन इसको मैंने एक्सेल साइज़ में लिया है इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आई थिंक मुझे लग रहा है पहनने के बाद स्टाइल करने के बाद अच्छे से ये अच्छा लगेगा चलिए इसको स्टाइल करते हैं फिर बताती हूँ मैं कि ये कैसा लग रहा है ओके okay गाइस तो ये वाला चिकनकारी ड्रेस पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कुर्ती भी है इसको आप कुर्ती भी बोल सकते हो बट मैंने इसको ड्रेस में ही काउंट कर लिया है एंड इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट पहनने के बाद लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लग नहीं रहा है कि टू का है बहुत ज़्यादा ही मुझे अभी पहनने के बाद अच्छा लगने लगा है और इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है अगर आपको लेना हो तो ले सकती हो मैं डेफ़िनेटली ये वाला रखने वाली हूँ तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है ओके गाइस तो नेक्स्ट ड्रेस जो मैंने मंगाया है वो ये है तो चलिए इसको खोल के देखते हैं ओके okay, तो मैंने ये टी टी शर्ट ड्रेस जो होता है वो मैंने मंगाया था तो मुझे टी शर्ट का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है टी शर्ट इसलिए मैंने टी शर्ट ड्रेस मंगा लिया तो मैंने ये टी शर्ट ड्रेस ऑर्डर किया था मीशो से इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है जो आपका ये थी. स्ट्राइप्स uh, है इसका कलर्स अलग अलग मिल जाएगा आपको पिंक और और भी कलर्स है मुझे याद नहीं है बट मुझे लगा था इसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो सॉफ्ट वाला जो टी शर्ट आता है वैसा होगा बट बहुत ज़्यादा बेकार है जो जर्सी टाइप का क्वालिटी नहीं होता टी शर्ट का उस टाइप का है ये और आई थिंक मुझे लग रहा है ये गर्मी में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी ओके okay, तो इसको एक्सेल साइज़ में मैंने लिया है और इसको मैंने बाय किया है थ्री हंड्रेड थर्टी फ़ोर का तो ये मुझे थ्री हंड्रेड थर्टी फोर का मिला था यहाँ पे मैं इमेज शेयर कर रही हूँ और अभी पहन के देखते हैं इसको कि ये कैसा लग रहा है मुझ पर फिर आप लोग डिसाइड कर लेना अगर आप लोग को लेना हो तो ओके गाइस तो मैंने पहन लिया और जैसा कि मैंने बताया था ये बहुत ज़्यादा ही लूज़ है और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है पहनने में और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो गर्मी में तो इसको बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं फैब्रिक इसका एकदम अच्छा नहीं है देखने में आपको लुक अच्छा लग रहा होगा कैमरे पे बट फैब्रिक इसका एकदम अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे और बहुत ज़्यादा चुभ भी रहा है अंदर से इसका मोट मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार है आई आई मीन चीप क्वालिटी है बहुत ज़्यादा चुभ रहा है मुझे तो मैं फुल लुक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोग देख लीजिए ओके गाइज तो मैंने टोटल सिक्स ड्रेसेस मंगाए थे और अभी मेरे पास सिर्फ एक लास्ट वाला बचा है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आई थिंक कि ये लास्ट वाला इस हॉल का सबसे महंगा प्रोडक्ट है आई I मीन mean, इस हॉल का सबसे महंगा वाला ड्रेस है बट ये वर्थ है मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आया uh, मैंने खोल के देखा था पहना अभी तक नहीं है बट मैंने खोल के देखा था बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था तो ये है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये प्योर कॉटन है और इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा थ्रेड वर्क है ये प्रिंट नहीं है इसमें पूरे में थ्रेड वर्क किया हुआ है और इसको मैंने मंगाया है फोर हंड्रेड थर्टी में तो फाइव हंड्रेड से भी कम प्राइस में है सभी मैंने जो भी दिखाया है इसका प्राइस सिर्फ फोर हंड्रेड थर्टी है और आई थिंक मुझे लग रहा है फोर हंड्रेड थर्टी के हिसाब से ये वर्थ है आ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये तो चलिए अभी इसको ट्राई करते हैं एंड देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है मुझ पर ओके गाइस तो मैंने ये पहन लिया है ऑरेंज वाला और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है जैसे कि मैंने बोला था और ये फ़ोर हंड्रेड थर्टी रुपीज़ का है उसके हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है वर्थ है प्राइस एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं फुल जो फुल लुक है वो भी मैं शेयर कर दूंगी इस इस वीडियो के बाद तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसा लग रहा है तो मुझे पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है ओके okay गाइज़ तो मैंने जो भी बाई किया था मीशो से ड्रेसेस वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं तो मैंने रिव्यूज़ एंड क्वालिटी कैसी है वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं तो आ, नेक्स्ट और भी मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊंगी आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोग को जो भी मैंने दिखाया है वो बाई करना होगा तो मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ नीचे आप लोग बाई कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय गाइज़ अल्लाह हाफिज़ टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय